नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र या फिर संविदा शिक्षक हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ एक खबर साझा करेंगे। दरअसल हाल ही के अंदर एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस आप सभी को मैं बता दूं, टेट मुक्ति को लेकर नोटिस जारी की गई है। किनके ऊपर नोटिस जारी हुई है, क्या ये जो नियम है शिक्षा मित्रों के ऊपर भी लागू होगा, यानी कि क्या शिक्षा मित्रों को भी टेट मुक्त करके समायोजित किया जाएगा या फिर नहीं, ये सारी जानकारियां आगे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। साथियों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब साथियों अपडेट खुलकर आ चुकी है, आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक नोटिस दिख रही होगी। आप यहां पर देख लें, 8 सितंबर की नोटिस है ये, जहां पर आप सभी यहां पर देख लें उत्तराखंड के अंदर ये नोटिस जारी की गई है। लेकिन यहां पर आप देख लें कि आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी हिमाचल का नियम लागू किया गया है। किस प्रकार से लागू हुआ है आप देख लें। राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करा रहे प्रशिक्षित औपबंधिक सहायक अध्यापकों का हिमाचल प्रदेश के आधार पर अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि TET फर्स्ट यानी कि प्राथमिक लेवल की TET से मुक्त कर औपबंधन समाप्त किए जाने के संबंध में। यानी कि अब आप सभी यहां पर सोच रहे होंगे कि औपबंधिक शिक्षक क्या होता है, यानी कि प्रोविजनल टीचर जो होता है उसी को ही कहा जाता है औपबंधिक शिक्षक। अब यहां पर इनके ऊपर नियम था आप प्राथमिक के लिए कि आपको टेट लेवल 1 यानी कि प्राथमिक लेवल का टेट उत्तीर्ण करना होगा, जिससे अब इन्हें मुक्त कर दिया गया है। एक बार आप पढ़ लें, उपर्युक्त विषयक श्री ललित द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ का पत्र दिनांक 23/8/2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जो कि राजकीय प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करा रहे प्रशिक्षित औपबंधिक सहायक अध्यापकों का हिमाचल प्रदेश के आधार पर अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि TET फर्स्ट से मुक्त कर औपबंधन समाप्त किए जाने के संबंध में है। अब दूसरा आप देख लें, अतएव उक्त पत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2020 के आलोक में सुसंगत नियमों के अंतर्गत विषयक प्रकरण में सुस्पष्ट आख्या विभागीय अभिमत सहित शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। आप यहां पर देख सकते हैं प्रदीप जोशी संयुक्त सचिव, इनके हस्ताक्षर भी यहां पर हुआ है। अब यहां पर साथियों आप सभी के लिए ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों अगर आप सभी भी चाहें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हिमाचल प्रदेश जैसे नियम लागू हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षा मित्रों का समायोजन किस बेसिस पर किया गया, क्योंकि उन्हें टेट मुक्त कर दिया गया। आप छत्तीसगढ़ मॉडल देख लें, उत्तराखंड मॉडल देख लें, यहां पर सभी शिक्षा मित्रों को लाभ इसी प्रकार से दिया गया है। तो अगर आप सभी चाहें, सरकार पर आप सभी एक साथ एक संगठित होकर दबाव डालें, तो हो सकता है कि आपके लिए भी ये प्रक्रिया लागू कर दी जाए। फिलहाल ये जो खबर थी ये पूर्णतया शिक्षा मित्रों के लिए नहीं थी, लेकिन रिलेटेड थी आप सभी के लिए, तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित किया जाए। खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी आप साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।